डिस्प्ले इसका दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा है ये सब। डिस्प्ले स्मूथ है, GoPro 9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि डिस्प्ले उसका थोड़ा लैगी है। और इसमें देखिए स्टैंडर्ड 1080 60 वाइड ये डिफ़ॉल्ट है, एक्टिविटी में 2.7K 60 सुपर ये डिफ़ॉल्ट है, सिनेमैटिक में 4K 30 लीनियर ये डिफ़ॉल्ट है, और स्लोमो में 120 वाइड ये डिफ़ॉल्ट है। आप इसको अपने हिसाब से जो आपको फीचर करना है, जैसे कि लेंस चेंज करना है, हाइपर स्मूथ को और बूस्ट करना है, रेजोल्यूशन को और चेंज करना है, जूम कितना करना है, क्लिप्स क्या लगाना है, कितना क्या क्या अटैच करना है, लो लाइट चालू करना है कि नहीं, अभी तो वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिन में कर रहे हैं शूट। उसके बाद प्रो ट्यून, ये मतलब प्रो फीचर्स दिए हैं, और रॉ ऑडियो सब, मतलब रॉ भी सब काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रॉ का कुछ नहीं आएगा फुटेज, रॉ का भी सब काम कर सकते हैं। और स्लो मो का एक मुझे काफ़ी बेहतरीन अच्छा फीचर लगा कि इसको हम 1080 से बढ़ा के 2.7K तक लेके जा सकते हैं, 144:10 पिक्सल्स 4:3 में भी शूट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेम्स को है जो वो 1080 पे कर सकते हैं, और 2.7K में खाली हम लोग 120 फ्रेम्स तक शूट कर सकते हैं। ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा, इसको डिफ़ॉल्ट कर दूंगा मैं, डिफ़ॉल्ट हो जा भाई। उसके बाद ये सब जो फीचर्स है वो सब आप देख ही लो, शार्पनेस, कलर, रॉ ऑडियो, विंड का कैसा आवाज़ रहना चाहिए। उसके बाद रिस्टोर भी कर सकते हो, रिस्टोर सेटिंग करना है तो, अभी तो कुछ करना नहीं है। उसके बाद 4K सिनेमैटिक में जो हम करते हैं इसको 30:60 में भी कर सकते हो आप। उसके बाद 2.7K 4:3 में भी कर सकते हो, मतलब सब फीचर्स दिया गया है, भरपूर पेट भर जाएगा आपका। उसके बाद आपको थोड़ा सा शॉट लेके दिखा देते हैं सबका, एक एक मिनी क्लिप लेके आपको वीडियो में अटैच करके बताते हैं कैसा लगेगा। तो चलिए जाते हैं वीडियो की तरफ। स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं ब्लॉगिंग के लिए 1080 वाइड लेंस। Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. We're supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving. Maybe time told us that we were different. Did it break you down? Look at how wide it is. Standing at the ceiling.